और दोस्तों स्वागत है आपका श्वेता क्लासेस में। बच्चों 2018 के हमने कल 15 क्वेश्चंस डिस्कस किए थे, आज हम लोग आगे के 15 क्वेश्चंस को डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। इससे क्या होता है, हमारा वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी भी नहीं होता है और आप उसको एक अच्छे से टाइम में कवर भी कर लेते हैं और चीज़ें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ टेक्स्ट बुक इन द क्लासरूम, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा कक्षा में पाठ्य पुस्तकों की भूमिका का सबसे अच्छा वर्णन करता है। देखिए पाठ्य पुस्तक की भूमिकाओं का सबसे अच्छा वर्णन वही करेगा जो क्लास में रिसोर्स अवेलेबल है, मटेरियल अवेलेबल है उसके संदर्भ में हो, ठीक है। यानी कि जैसे आपके क्लासरूम में चार्ट बोर्ड, आपका कोई भी पेपर है, मतलब मान लीजिए कोई भी आपका सब्जेक्ट है, ठीक है, और उसी सब्जेक्ट से रिलेटेड जो चार्ट बोर्ड है वो आपके क्लासरूम में लगे हुए हैं, तो क्या करेंगे आप चीज़ों को रिलेट कर पाते हैं, ठीक है ना। तो वे कक्षा में उपलब्ध संसाधन और संदर्भ सामग्री में से एक हो, ऑप्शन नंबर 4 जो है बच्चों वो आपका बिल्कुल सही। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ड्राइव इट्स अंडरस्टैंडिंग फ्रॉम राष्ट्रीय पाठ्यचर्या फ्रेमवर्क 2005 में अपनी समझ डैश की प्राप्ति की है किसके, तो जब हम लोग NCF 2005 की बात करते हैं तो जो उसकी अंडरस्टैंडिंग है वो रचनावाद है, कंस्ट्रक्टिविज्म है, ठीक है बच्चों। NCF वगैरह से, NEP वगैरह से क्वेश्चंस आपके बहुत पूछे जाते हैं, आप तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे आपने 15 में से कितने क्वेश्चन सही किए। द चिल्ड्रन इन अ क्लास कैन बी कंसिडर्ड टू बी मोटिवेटेड इफ, कक्षा में बच्चों की प्रेरित समझा जा, कक्षा में बच्चों को प्रेरित समझा जा सकता है यदि बच्चे जो है वो मोटिवेटेड जो है क्लास में, वो तभी समझे जाएंगे जब वो बहुत डिसिप्लिन हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता जब वो क्वेश्चन पूछते हैं टीचर से, ठीक है। जब वे शिक्षक से स्पष्टीकरण प्राप्त करने के लिए प्रश्न पूछते हैं तभी बच्चा क्लास में मोटिवेटेड, अटेंटिव, एक्टिव समझा जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सुटेबल टू इम्प्रूव चिल्ड्रंस लर्निंग, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों में अधिगम में सुधार के लिए सबसे अधिक उपयोगी है। तो जब हम लोग बात अधिगम की करते हैं, यानी कि जब हम लोग बात लर्निंग की करते हैं, तो लर्निंग के लिए सबसे ज़्यादा उपयोगी तो वही है जो चीज़ें आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से कनेक्ट करेंगी, ठीक है ना। आप पढ़ के आते हैं नमक का फॉर्मूला, आप NaOH पढ़ के आते हैं, आप घर आते हैं, आप सॉल्व देखते हैं, तो आपके दिमाग में वो चीज़ें कहीं ना कहीं क्लिक करती हैं। आप इनों देखते हैं आपके दिमाग में SCL क्लिक करता है, तो क्या करता है वो आपकी रियल लाइफ सिचुएशन से जब जोड़ देता है तो आप चीज़ों को बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जब टीचर आपको एग्जांपल देता है कि आप बस में बैठे होते हैं, आपके पैर नीचे होते हैं, ब्रेक लगने पर आपकी हाफ बॉडी आ जाती है, तो क्या करते हैं आप उस चीज़ को रिलेट करते हैं कि हाँ ऐसा होता है मेरे साथ में। तो बच्चों के जो लर्निंग की जब हम लोग बात करेंगे तो जो चीज़ें उनकी रियल लाइफ से ज़्यादा रिलेट करेंगी वही चीज़ें बच्चे बहुत अच्छे से सीख सकते हैं। The discipline which has a significant role in learning environment is of the kind which help. अनुशासन जो अधिगम वातावरण में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है किस तरीके की मदद करता है। Children to regulate and monitor their own learning. Option number 4 जो है वो बिल्कुल सही है। Which one of the following statement is true about the role of heredity and environment? जब बात आपकी अनुवांशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में पूछा जाता है तो याद रखिए कि दोनों का ही बराबर का रोल होता है, ठीक है, कोई एक ज़्यादा नहीं है, कोई एक कम नहीं है, दोनों एक दूसरे के गुणा हैं, दोनों ही एक बराबर बराबर रोल प्ले करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका कि सर्टन एस्पेक्ट ऑफ डेवलपमेंट आर इन्फ्लुएंस्ड मोर बाय हेरिडिटी एंड अदर मोर बाय एनवायरनमेंट, इसमें दोनों में मोर शब्द का इस्तेमाल किया गया है, हमारा बिल्कुल सही है। अगर आपके साथ एक ही दे देता कि मोर बाय हेरिडिटी लेस बाय एनवायरनमेंट तो आपका ऑप्शन जो है वो गलत हो जाता, ठीक है, क्योंकि दोनों बिल्कुल बराबर के हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट कैन नॉट बी एट्रीब्यूटेड टू पियाजेट थ्योरी, निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजेट के सिद्धांत के अनुसार नहीं कहा जा सकता है। तो चिल्ड्रन कंस्ट्रक्ट एंड यूज नॉलेज अबाउट देयर वर्ल्ड, ये तो बिल्कुल सही बात है। तो इन्होंने हमसे पूछा नहीं कहा जा सकता, तो लर्निंग टेक प्लेस थ्रू कॉन्स्टेंट प्रैक्टिस, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है। ऑप्शन नंबर 2 जो है आपका वो बिल्कुल गलत है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लिमिटेशन ऑफ द प्री ऑपरेशनल थॉट, निम्नलिखित में से कौन सी पूर्व संक्रियात्मक विचार की एक सीमा नहीं है। डेवलपमेंट ऑफ द सिंबॉलिक थॉट, ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ये प्री ऑपरेशनल जो आपकी एज है, जो आपकी पूर्व संक्रियात्मक एज है, उसकी एक लिमिटेशन नहीं है। प्ले हैज अ सिग्निफिकेंट रोल इन डेवलपमेंट ऑफ यंग चिल्ड्रन फॉर द फॉलोइंग रीजन एक्सेप्ट, मतलब कि जो खेल कूद होता है वो युवा बच्चों के विकास के लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके अलावा खेल क्या है,
मतलब क्या नहीं है। जैसे लोग कहते हैं कि अरे वो खेल के अपना समय बर्बाद कर रहा है, तो खेल के एक समय बर्बाद ही नहीं किया जा सकता है। खेल के आप अपने शरीर को फिजिकली स्ट्रांग बनाते हैं, ठीक है ना, खेल करके आप मेंटली रिलैक्स्ड फील करते हैं। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो इसमें आपका ठीक है, क्योंकि इसने पूछा है एक्सेप्ट, तो एक्सेप्ट जो है वो खेल जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपका एक समय व्यतीत करने का सुखद तरीका नहीं है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इनवाइट चिल्ड्रन टू थिंक थिंक क्रिटिकली, यानी कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न बच्चों को गंभीर रूप से सोचने के लिए आमंत्रित करता है। गंभीर रूप से सोचने के लिए, जैसे कि अब आपके सामने कुछ प्रश्न दिए गए, वॉट इज द राइट आंसर, सही जवाब क्या, आपने बता दिया फलाना है, हो गया। कैन यू थिंक ऑफ अ सिमिलर सिचुएशन, यस। वट आर द डिफरेंट वेज इन विच वी कैन सॉल्व दिस, यही चीज जो है वो बच्चों को अलग अलग तरीके से सोचने के लिए मोटिवेट करेगी, क्योंकि इसने पूछा है कि विभिन्न तरीकों से हम इसे कैसे हल कर सकते हैं, तो बच्चे अलग अलग तरीके निकालेंगे, है ना। ऑप्शन नंबर 3 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द प्रोग्रेसिव एजुकेशन, जब बात प्रगतिशील शिक्षा की आती है, जब बात प्रोग्रेसिव एजुकेशन की आती है, तो एक बच्चे के लिए लर्निंग बाय डूइंग यानी कि करके सीखने से अच्छा कुछ भी नहीं है, और लर्निंग बाय डूइंग हमें ऑप्शन नंबर 4 में देखने को मिल रहा है, यानी कि हमारा ऑप्शन नंबर 4 एकदम सही है। इसके अलावा आपको बता दें रेगुलर टेस्ट गलत है, लेबलिंग गलत है, ठीक है, एबिलिटी ग्रुपिंग गलत है, ये सब अपने आप में निगेटिव वर्ड्स हैं, आप इनको नोट कर लीजिए, ये सब अपने आप में निगेटिव वर्ड्स हैं, आप बच्चों के साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट प्रोग्रेसिव एजुकेशन एक्सप्लेन एजुकेशन इज लाइफ इट्सेल्फ, प्रगतिशील शिक्षा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है। स्कूल आर नॉट रिक्वायर्ड, चिल्ड्रन कैन लर्न फ्रॉम देयर लाइफ एक्सपीरियंस, ऐसा नहीं है कि स्कूल रिक्वायर्ड ही नहीं कर रहा है, कि मतलब स्कूल की कोई आवश्यकता ही नहीं है, बच्चा खुद ही सीख लेगा। अगर बच्चा इतना ही जानकारी वाला होता, इतना ही उसको ज्ञान होता, तो फिर वो नॉर्मल सी बात है, ये स्कूल बच्चों के स्कूल भेजने के लिए जो दुनिया दुनिया भर के मिड डे मील और फलाना धमाका चलाए जा रहे हैं, इसकी तो कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ती। प्रगतिशील शिक्षा के बारे में कौन सा कथन बताता है कि शिक्षा स्वयं ही जीवन है, तो स्कूलों में शिक्षा सामाजिक और प्राकृतिक दुनिया को प्रतिबिंबित करे, यानी कि एजुकेशन इन स्कूल शुड रिफ्लेक्ट द सोशल एंड नेचुरल वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन बी कंसीडर्ड एज अ कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ कोलबर्ग थ्योरी, आपसे पूछा गया है कोलबर्ग के सिद्धांत के योगदान के रूप में निम्नलिखित में से किसे माना जा सकता है। द थ्योरी हैज एलेबोरेट टेस्टिंग प्रोसीजर, हिज बिलीव दैट चिल्ड्रंस आर मोरल फिलोसोफर, इट एस्टेब्लिश अ क्लियर रिलेशनशिप बिटवीन मोरल रीजनिंग एंड एक्शन, हिज थ्योरी हैज सपोर्टेड एन एसोसिएशन बिटवीन कॉग्निटिव मैच्योरिटी एंड मोरल मैच्योरिटी। ऑप्शन नंबर 4 जो है आपका वो बिल्कुल सही है। द जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट रिफर्स टू, जो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट होता है वो एक तरीके से इसका फोल्डिंग का काम करता है, जिसमें कि बच्चा अगर कोई टास्क कर रहा होता है तो टीचर उसकी थोड़ी थोड़ी मदद कर देती है। अ कंटेक्स्ट इन विच चिल्ड्रन कैन ऑलमोस्ट परफॉर्म अ टास्क ऑन देयर ओन विद द राइट लेवल ऑफ सपोर्ट। ऑप्शन नंबर 2 जो है वो बिल्कुल सही है। एन एड्रोजीनियस पर्सनैलिटी, यानी कि एक उभयलिंगी व्यक्तित्व क्या होता है, एक आमतौर पर मर्दाना मतलब कि पुरुष और स्त्री के गुणों का जो समायोजन होता है उसी को कहते हैं एंड्रोजीनियस पर्सनैलिटी। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो आपका बिल्कुल सही है। ये हमारे 30 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं 2018 के आपके पेपर के सीटेट वाले के, ठीक है। अब हम लोग 2018 एनवायरमेंट को डिस्कस कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में अपनी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसके साथ ही अब हम लोग साइंस की सीरीज भी स्टार्ट करेंगे, तो बच्चों हमारे साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक करें, साथ ही अगर आपको लगता है कि मैम वीडियो में कुछ कुछ सुधार की आवश्यकता है तो प्लीज़ आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए। धन्यवाद।